is Kashika. Welcome back to my channel. I hope you are healthy and happy wherever you are. Today's video is about skincare dupes. हम हमेशा वीडियो बनाते हैं मेकअप ड्यूब्स पर, लिपस्टिक ड्यूब्स पर, बट हम काफ़ी कम होता है जब बात करते हैं स्किनकेयर ड्यूब्स के बारे में. बिकॉज आई नो बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स हैं जो हमें अच्छे लगते हैं, हमारा मन करता है उनको लेने का. शिपिंग बहुत ज़्यादा महंगी पड़ जाती है, अवेलेबल नहीं होते इंडिया में. बट ट्रस्ट मी, अब इंडिया में भी बहुत से प्रोडक्ट्स बन चुके हैं. मेड इन इंडिया ब्रांड्स इतनी अच्छे से इवॉल्व हो गई है ना, वो इनफैक्ट इंटरनेशनल ब्यूटी ब्रांड से बेटर क्वालिटी आपको ऑफर कर रही है. सो बिफोर वी बिगिन, लेट मी जस्ट क्लियर कि स्किन केयर कैटेगरी में ना देखो एग्जैक्ट कॉपी बोलना बहुत मुश्किल है, बिकॉज फॉर्मुलेशन का, इंग्रेडिएंट्स का काफी डिफरेंस होता है. बट यस, आज मैं आपको जो भी प्रोडक्ट सिखाने वाली हूँ ना, इनका जो मेन इंग्रेडिएंट है, फिर जो इनकी वर्किंग है ना, वो कहीं ना कहीं सेम है. तो आपको इंटरनेशनल प्रोडक्ट में पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है. आप ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स भी लोगे ना, आपको बिल्कुल सेम रिजल्ट मिलेगा, आपके पैसे बचेंगे, एंड एट द सेम टाइम ये इंडिया में भी इजिली अवेलेबल है. सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टिंग विद द फेस वॉश कैटेगरी. CeraVe के फेस वॉशेस काफी ज्यादा लोगों को पसंद है. मैंने खुद यूएस से किसी के थ्रू मंगाए थे, बिकॉज मुझे भी देखना था इनकी हाइप क्या है. अभी इंडिया में CeraVe अवेलेबल नहीं है, तो आप इंस्टाग्राम स्टोर से लोगे या फिर किसी रिलेटिव के थ्रू मंगा सकते हो, और वो आपको काफी एक्सपेंसिव पड़ जाता है. सो CeraVe में एक फेस वॉश आता है, CeraVe का हाइड्रेटिंग क्लेंजर, CeraVe का एक फोमिंग क्लेंजर भी आता है, वो मैं यूज करती हूँ बिकॉज मेरी ऑयली स्किन है. लेकिन CeraVe में एक हाइड्रेटिंग क्लेंजर भी आता है, जिसका टेक्स्चर और जो वर्किंग है ना, बेसिकली वो ज्यादा हाइड्रेशन की तरफ है. वो आपके फेस को बेसिकली सुखाता नहीं है, आपके फेस को क्लीन करता है और हाइड्रेट भी करता है. और उसका मेड इन इंडिया सबसे क्लोजेस्ट ड्यूब है ये फॉक्सटेल का क्लेंजर. इसका नाम है द डेली डू इट हाइड्रेटिंग क्लेंजर. ये क्लेंज करता है डीपली, रिमूव भी करता है मेकअप, एंड ट्रस्ट मी आई फील ये उससे बेटर है बिकॉज ये डू इट क्लेंजर है. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डू इट क्लेंजर? ये बेसिकली दोनों का काम करता है. ये आपका मेकअप भी रिमूव करता है और आपके फेस को भी क्लीन करता है, फेस वॉश का भी काम करता है. सो काफी बार होता है हम बहुत ज्यादा हैवी सनस्क्रीन लगाते हैं, हम बहुत सारा मेकअप भी कर लेते हैं, फिर माइसलो वाटर से भी हटाओ ना, तो ऐसा लगता है अभी भी मेकअप हटा नहीं है. फेस वॉश उस मेकअप को नहीं रिमूव कर पाता, बट दिस वन डू द जॉब प्रिटी वेल. मैं ये नहीं कहती मेकअप हटाने के लिए डायरेक्टली इसी को यूज कर लो, बेसिक माइसलो वाटर यूज करो ताकि थोड़ा ऊपर ऊपर का उतर जाए, बट उसके बाद भी जो रेसिड्यू होगा ना, वो इस फेस वॉश से बहुत अच्छे से रिमूव हो जाता है. आई रिमेंबर ये जिस दिन मुझे रिसीव हुआ था, उस दिन मेरे फाउंडेशन के ना स्वॉचेस करे हुए थे, और मैंने इसको पहले टेस्ट किया कि मेकअप को रिमूव करता है नहीं करता. मैंने यहाँ पर इसको पूरा अप्लाई किया था, इसने पूरे फाउंडेशन को डायरेक्टली रिमूव कर दिया था. तो वो मैंने कहीं ना कहीं डायरेक्ट टेस्ट करके देखा था. सो डेफिनेटली मेकअप को काफी अच्छे से रिमूव करता है. ये आजकल मेरा जिम से आने वाला फेस वॉश है, बिकॉज जिम से जब आती हूँ तो मैं सनस्क्रीन भी लगाती हूँ, स्वेटिंग काफी ज्यादा होती है, तो मैं आती इसी से फेस वॉश कर लेती हूँ, सारा सनस्क्रीन उतर जाती है, फेस अच्छे से क्लेंज हो जाता है. और ये हाइड्रेटिंग क्लेंजर है, तो आपके स्किन को सुखाता नहीं है, ड्राई आउट नहीं फील कराता. सो अगर आपकी सॉर्ट ऑफ कॉम्बिनेशन स्किन है, या फिर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है, आपने कुछ ऐसा यूज कर लिया आपकी स्किन का बैरियर खराब हो चुका है, आप जो भी फेस वॉश यूज करते हो आपकी स्किन को सुखा रहा है, ट्राई दिस वन, यू विल लव इट. इसका जो हाइड्रेटिंग नेचर है ना, वो बहुत अच्छे से आपकी स्किन को क्लेंज करता है, और उसको एक पोस्ट वाली, वो इची और वो ड्राई वाली स्किन नहीं बनाता, एक नरिश स्किन आपकी छोड़ के जाता है बेसिकली. इसके अंदर है सोडियम हाइलुरोनेट एंड रेड एल्गी एक्सट्रैक्ट. ऑल्सो इट हैज अ माइल्ड फ्रेग्रेंस, लेकिन इसमें इंग्रेडिएंट्स पे लिखा है एलर्जन फ्री फ्रेग्रेंस. तो इसमें जो धीमी धीमी खुशबू आती है वो एलर्जन फ्री है, वो आपकी स्किन को ऐसा रिएक्ट नहीं करने वाली. काफी बार फ्रेग्रेंस फ्री प्रोडक्ट्स होते हैं, लेकिन कुछ अजीब से उसमें से पंजेंट स्मेल आती है. मेरे पास एक CeraVe का फेस वॉश है, जो दूसरा सैलिसिलिक एसिड वाला फेस वॉश है, उसमें से ना अजीब सी कोकोनट ऑयल वाली खुशबू आती है, और मुझे वो यूज करने में पसंद नहीं आता. ऐसा लगता है मैं गोले का तेल अपने फेस पे लगा रही हूँ. सो ये अगर ऐसी जेंटल फ्रेग्रेंस होती है ना, जो अच्छी भी फील होती है, एट द सेम टाइम स्किन पर रिएक्ट नहीं करती. सो आई हैव नो इश्यूज विद इट, यू कैन डेफिनेटली ट्राई आउट दिस फेस वॉश. अनदर प्रोडक्ट फ्रॉम CeraVe विच इज वेरी फेमस इज देयर मॉइस्चराइजिंग नरिशिंग लोशन क्रीम जो आती है, जो सेरामाइड बेस्ड है. और भी बहुत सारे इंटरनेशनल ब्यूटी ब्रांड्स है जो सेरामाइड की क्रीम्स बनाती है, और अब इंडिया में भी धीरे धीरे सेरामाइड पॉपुलर हो रहा है, बिकॉज वी ऑल नो सेरामाइड कितना अच्छा होता है स्किन के लिए. स्पेसिफिकली अगर आपकी स्किन का बैरियर खराब हो गया, तो आपको सेरामाइड यूज करना ही चाहिए. सो उसका सबसे क्लोजेस्ट ड्यूप है इज अगेन फ्रॉम द ब्रांड फॉक्सटेल. ये फॉक्सटेल का सेरामाइड सुपर क्रीम हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर, ये 24 आवर की हाइड्रेशन का क्लेम करता है, इवन आउट करता है स्किन को. सो इसके अंदर बेसिकली क्या है, इसके अंदर प्लांट बेस्ड सेरामाइड है, बिकॉज ये वीगन प्रोडक्ट है. अगर आपको नहीं पता, फॉक्सटेल इज मोर लाइक अ वीगन ब्रांड. सो ये वीगन प्रोडक्ट है ना, तो इसके अंदर इन्होंने प्लांट बेस्ड सेरामाइड डाला है. सो इट हैज थ्री टाइप्स ऑफ प्लांट बेस्ड सेरामाइड्स, जो बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं आपके स्किन का. वैसे भी सबको सेरामाइड बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए, काफी अच्छा रहता है आपकी स्किन के लिए. यंग भी हो, टीनेजर भी हो, आप एजिंग के ऊपर वर्क कर रहे हो, सारे फैक्टर्स में सेरामाइड बहुत ज्यादा हेल्प करता है. और इसके अलावा इसके अंदर है सोडियम हाइलुरोनेट क्रॉस पॉलीमर, बेसिकली जो डीपली हाइड्रेट करता है स्किन को, इंटेंस मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड करता है. इसका टेक्स्चर आप देख सकते हो कितना अच्छा, लाइट क्रीमी टेक्स्चर है, बिल्कुल भी हैवी फील नहीं होता. आई
पर्सनली डोंट लाइक मॉइस्चराइजर जिसको ब्लेंड करने में साल लग जाते हैं, वाइट वाइट अजीब सा हो जाता है, गर्मी में तो वैसे भी बहुत हैवी फील होते हैं। मैंने इसको अभी पीक गर्मी में ह्यूमिडिटी जो मानसून का वेदर है उस टाइम टेस्ट किया है एंड आई रियली लाइक इट। अगेन इसकी भी काफ़ी अच्छी एक माइल्ड सी फ्रेग्रेंस है, मैं आपको क्लियर कर रही हूँ, इट हैज़ वेरी माइल्ड फ्रेग्रेंस, लेकिन अगेन जो फ्रेग्रेंस है वो एलर्जन फ्री फ्रेग्रेंस है तो इतने कोई इरिटेशन आपको नहीं देगी। टॉकिंग अबाउट अदर क्लेम्स, जिसकी पैकेजिंग पे लिखे हैं इसका पीएच है 6 से 6.5, ये वीगन प्रोडक्ट है, क्रुएल्टी फ्री है, पैराबेन फ्री है, सल्फेट फ्री है एंड डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड एज वेल। अगेन आई लव द पैकेजिंग, बोथ ऑफ दीज प्रोडक्ट्स आर डेफिनेटली रियली नाइस ड्यूप ऑफ सेरावी प्रोडक्ट्स, या आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ले सकते हो, फॉक्सटेल की वेबसाइट के डिटेल्स मैं नीचे डाल दूंगी एंड द कोड इज कशिका 15 फॉर एक्स्ट्रा 15% ऑफ ऑन देयर वेबसाइट एंड बाकी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज अ रीसेंट फाइंड, ये मुझे पीआर में रिसीव हुआ था और मैंने अभी तक इसी वेबसाइट पे ही देखा, बट अगर रिसीव हुआ है तो डेफिनेटली बायोडर्मा इंडिया की वेबसाइट पे अवेलेबल होगा ही होगा। बायोडर्मा का सूदिंग मेकअप रिमूवर मिल्क, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, यू कैन सी बायोडर्मा की माइसल वाटर वाली पैकेजिंग है लेकिन अंदर से पूरा व्हाइट है, यू कैन सी एकदम व्हाइट जो मिल्की टेक्सचर होता है ना इसका, बिल्कुल वैसा टेक्सचर है और ये भी एक मिल्की सॉर्ट ऑफ कंसिस्टेंसी का मेकअप रिमूवर है। इसको आपको बेसिकली अपने फेस पर मसाज करना होता है, सारे मेकअप को मेल्ट डाउन करना होता है, फिर आप कॉटन वाइप से रिमूव कर सकते हो। इसका प्राइस काफी हाई है, इसका सबसे सस्ता इंडियन ड्यूप जो मैं कह सकती हूँ वो है ये बादी का डीप पोर क्लेंजिंग मिल्क। अगर आप बहुत पुराने मेरे वीडियोस को देखोगे तो आपको पता होगा मैंने काफी बार सजेस्ट किया है, ये मेरा 2-3 साल पुराना ओल्ड फेवरेट है, ये काफी सस्ता है। आई थिंक ये कितने का आता है, 80 रुपीज का आता है नायका के सेल पे, तो आपको 50-60 रुपीज का मिल जाएगा। सो अगर आप भी मेकअप को अच्छे से रिमूव करना चाहते हो या फिर आपने बहुत हैवी मेकअप किया पहले उसको जेंटली अच्छे से हटाना चाहते हो तो ये भी बिल्कुल उसकी तरह काम करता है। जस्ट शो यू द टेक्सचर, सी बिल्कुल दोनों के टेक्सचर में इतनी कोई डिफरेंस नहीं है। बायोडर्मा वाला थोड़ा सा और पतला था, लाइट था और ये थोड़ा सा और क्रीमी वे में है, बट ये भी काफ़ी अच्छे से आपके मेकअप को हटा देता है, आपके फेस पर बिल्कुल भी कोई मेकअप का इतना गंग नहीं रहता। बहुत अच्छे से मसाज करो, कॉटन वाइप से रिमूव करो एंड यू आर गुड टू। सो डेफिनेटली वादी इज लाइक द डायरेक्ट ड्यूप ऑफ बायोडर्मा 1, द ओनली डिफरेंस इज द फ्रेग्रेंस, ये कंप्लीटली फ्रेग्रेंस फ्री है, वाइल वादी में हल्की सी एक लेमनी एलोवेरा वाली खुशबू आती है बिकॉज में लेमन एक्सट्रैक्ट भी है तो एक वो सिट्रसी वाली खुशबू आती है, बट अगेन इट इज नॉट इरिटेटिंग, कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है जो आपकी स्किन को इरिटेट करे। इसके अलावा हिमालय का भी एक क्लेंजिंग मिल्क आता है जो अगेन 100-120 समथिंग के अराउंड आता है। सो अगर आप बायोडर्मा वाला कहीं ना कहीं सेम रिजल्ट पाना चाहते हो तो आप वादी या फिर हिमालय का ले सकते हो, दे काइंड ऑफ वर्क द सेम। नेक्स्ट इंटरनेशनल ब्रांड इज द ऑर्डिनरी, वैसे तो अगेन नायका पर अवेलेबल है बट आई स्टिल रिमेंबर 1-2 साल पहले जब मैंने ऑर्डिनरी नायसिनमाइड सीरम की डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी, कितने डीएम्स और मैसेजेस आते थे, कॉमेंट्स आते थे कि कैसे लिया, कहाँ से लिया। मैंने तब कल्ट ब्यूटी से मंगाया था, CULT कल्ट जो वेबसाइट है, दिस वॉज मोर लाइक अ रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट बिकॉज जब ये लॉन्च हुआ था उस टाइम कोई भी ऐसी ब्रांड नहीं थी जो नायसिनमाइड बेस्ड प्रोडक्ट्स बना रही थी, लोगों को पता ही था नायसिनमाइड क्या होता है। जब मैंने वो वीडियो बनाई बहुत लोगों को पता चला कि नायसिनमाइड होता क्या है, वर्क कैसे करता है। अब तो इंडिया में भरमार हो चुकी है नायसिनमाइड बेस्ड सीरम्स एंड प्रोडक्ट्स की, और जो डायरेक्ट ड्यूप मैं बोलूंगी जो आई थिंक लॉन्च होते टाइम ही सबने यही एलिगेशन लगाया था कि ये तो सही में पूरी कॉपी है, वो है मिनिमलिस्ट का सीरम। सो ये ऑर्डिनरी का नायसिनमाइड 10%+1% जिंक सीरम, ये पुरानी वाली पैकेजिंग है बिकॉज 1-2 साल पहले मैंने जो लिया था वही मेरे पास रखा है, एक्सपायर हो चुका है, बट मैं पैकेजिंग रखती हूँ वीडियोज या फिर कॉन्टेंट बनाने के लिए, वो डेडिकेटेड वीडियो भी आप जाकर देख सकते हो अगर आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि नायसिनमाइड क्या होता है। बट अब इसका जो डायरेक्ट ड्यूप है जो इंडिया में अवेलेबल है वो है मिनिमलिस्ट का नायसिनमाइड 10% एंड जिंक 1% सीरम। सो ये अब मिनिमलिस्ट की न्यू पैकेजिंग है जो डार्क बॉटल्स में आती है, अब तो इन्होंने मिनिमलिस्ट 1.0 या फिर 2.0 समथिंग लॉन्च कर दिया है जिसमें और इन्होंने कुछ कॉम्प्लिकेटेड इंग्रेडिएंट्स डाले हैं इनके मेन इंग्रेडिएंट्स के अलावा। ये मेरे पास पुराने वाला सीरम है, ये न्यू लेटेस्ट वाला नहीं है। सो दिस इज हाउ द मिनिमलिस्ट नायसिनमाइड सीरम लुक्स लाइक, यू कैन सी एकदम पतला पानी जैसा सीरम है एंड ऑलमोस्ट सेम ही ऑर्डिनरी की फॉर्मुलेशन है, इतना कोई आपको फर्क पता नहीं चलेगा, बोथ ऑफ देम वर्क रियली सेम। इनिशियली जब मिनिमलिस्ट लॉन्च हुआ था वो एलोवेरा बेस्ड फॉर्मुलेशन आता था, आई थिंक ये वही होगा या पुरानी वाली है ना, या दिस इज एलोवेरा वाला फॉर्मुलेशन, बट ग्रेजुअली मिनिमलिस्ट ने भी अपनी फॉर्मुलेशन चेंज करी और उसको एक्वा बेस कर दिया। सो अब दोनों ही बिल्कुल सेम हो चुके हैं बिकॉज दोनों का ही जो मेन बेस है वो एक्वा बेस ही है। सो अगर आप ऑर्डिनरी लेना चाहते हैं आई वुड से मिनिमलिस्ट लो, आपको एग्जैक्ट रिजल्ट मिलेगा, इतना कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। इनफैक्ट यू आर सपोर्टिंग मेड इन इंडिया सॉर्ट ऑफ ब्रांड मोर, तो अगर आपको वही सेम चीज अपनी भारत की ब्रांड में मिल रही है सो व्हाई नॉट प्रेफर दैट वन। नेक्स्ट अप आई हैव अ वेरी फेमस कोरियन ब्रांड व्हिच इज वन थिंग के वाले टोनर्स आजकल काफी फेमस चल रहे हैं, दे लुक लाइक एन अल्कोहल बॉटल बट ये टोनर है बेसिकली। सो वन थिंग जो है वो एक स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट्स पर अपने टोनर बनाता है, लाइक मेरे पास जो है वो इनका सेंटला एजाटिका वाला एक्सट्रैक्ट का टोनर है जिसमें प्योर सेंटला एजाटिका इन्होंने डाला हुआ है। सो जब मैं अपने पूरे
अलमारी में अपने पूरे कमरे में जब टोनर ढूंढ रही थी जिसके अंदर सेंट्रल एजाटिका और स्पेसिफिकली मुझे मिला ये डॉटन की का टोनर जो सीका बेस्ड ही टोनर है, पूरी उनकी रेंज है सीका वाली रेंज है जो एक्ने प्रोन स्किन ऑयली स्किन के लिए बनी है। सो इसके अंदर खाली सीका नहीं है अनलाइक दिस वन, लेकिन इसके अंदर और भी एक्ने फाइटिंग प्रॉपर्टीज हैं अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल एजाटिका। सो अगर आपकी ऑयली एक्ने प्रोन स्किन है आई वुड से प्रेफर दिस वन, ये आपको और अच्छा रिजल्ट देगा। और अगर आपकी सॉर्ट ऑफ नॉर्मल स्किन टाइप है आपको खाली एक सीका बेस्ड प्रोडक्ट चाहिए जो आपकी स्किन को काम डाउन करे सूद करे तो आप ये ले सकते हो। आई एम नॉट सेइंग दे एग्जैक्टली द सेम, मैं क्लोज ड्यूब सॉर्ट ऑफ बता रही हूँ जो इंग्रेडिएंट बेस्ड मैं आपको बोल रही हूँ। नेक्स्ट आई हैव अनदर प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्रांड बायोडर्मा जो काफी एक्सपेंसिव है। ये बायोडर्मा की फोटोडर्म मैक्स एसपीएफ 50 प्लस सनस्क्रीन जो बहुत ज्यादा नरिशिंग है, मतलब ये मैं गर्मी में नहीं यूज कर सकती बिकॉज ये मेरी ऑयली स्किन को और हैवी कर देती है। अगर आपकी ड्राई स्किन है ना तो आपको ये बहुत पसंद आने वाली है। सो दिस इज ऑल द टेक्सचर ऑफ दिस बायोडर्मा सनस्क्रीन लुक्स लाइक। तो इस बायोडर्मा की सनस्क्रीन का सबसे क्लोज ड्यूब जो मुझे इंडियन मार्केट में मिला है विच इज अगेन फ्रॉम द ब्रांड फॉक्सटेल। स्टार्टिंग का जो पार्ट था इट वॉज इन कोलेबोरेशन विद फॉक्सटेल, आपको समझ ही आ गया होगा, बट दिस पार्ट इज नॉट इन कोलेबोरेशन। ये उन्होंने नहीं भेजा है, ये मैंने बहुत पहले खुद खरीदा था काइंड लाइफ से बिकॉज मुझे देखना था कि ये कैसे वर्क करती है। मैंने काफी लोगों के अच्छे अच्छे रिव्यूज सुने थे। सो ये भी काफी ज्यादा नरिशिंग सनस्क्रीन है। मैंने जब इसको ह्यूमिड अभी गर्मी के वेदर में ट्राई किया ना तो मुझे हैवी फील हुई। सो यू कैन सी बोथ, ये है फॉक्सटेल की सनस्क्रीन, ये बायोडर्मा की सनस्क्रीन, और दोनों ही जब मैं ब्लेंड करती हूँ अप्लाई करती हूँ ना दोनों काफी सिमिलर फील होती है फेस पर। दोनों का ही एकदम नरिशिंग वाला फील है, दोनों को लगा के बहुत अच्छा हैवी नरिशमेंट सॉर्ट ऑफ फील होती है। सो मैं दोनों का अभी नहीं प्रेफर करूंगी, ऑयली स्किन है मेरी बहुत ज्यादा, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, बट डेफिनेटली जब विंटर्स में मेरी स्किन ड्राई फ्लेकी फील होती है ना तो मैं ये यूज करने वाली हूँ। सो अगर आपकी भी बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है आई वुड से गो फॉर दी सनस्क्रीन। इसकी एसपीएफ है 50 प्लस वाई इसकी एसपीएफ है 50 PA4 टाइम्स प्लस, तो कहने की बेटर प्रोटेक्शन आपको देती है। ये डिजिटल इन्वायरमेंटल दोनों ही प्रोटेक्शन देती है, इसमें वाइटमिन B3 B5 ई सब कुछ है। सो नरिशमेंट के मामले में एंड द होल फील ऑफ इट आई थिंक बोथ ऑफ देम वर्क द सेम। एंड फाइनली कमिंग टू द लास्ट प्रोडक्ट विच इज अगेन फ्रॉम अ कोरियन ब्रांड, ये SNP प्रेप का पेप्टरॉनिक सीरप जिसके अंदर 6 तरह के पेप्टाइड्स है, 5 तरह के हाइलुरोनिक एसिड है। एंड ट्रस्ट में अभी तक तो मुझे इसका एग्जैक्ट ड्यूप इंडियन मार्केट में नहीं मिला जो इतना सारा एक के अंदर देता हो, बट रिसेंटली मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कि ज्यादा भी हाइलुरोनिक एसिड का क्वांटिटी ना अच्छी नहीं होती स्किन के लिए, तो मैंने इसको बीच में बिल्कुल बंद कर दिया था यूज करना बिकॉज अभी ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है और हैवी हाइलुरोनिक एसिड बेस कुछ यूज करती हूँ ना तो मेरी स्किन भी बहुत ज्यादा हैवी फील होती है। सो मेरे पास जो हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड सीरम था वो था लॉरियल का 1.5%, लेकिन मुझे जो थोड़ा सा और हायर क्वांटिटी में मिला विच कैन बी अ लिटिल बिट क्लोजर टू दिस मच क्वांटिटी ऑफ हाइलुरोनिक एसिड इज द प्लम हाइलुरोनिक एसिड सीरम। इसके अंदर 2% हाइलुरोनिक एसिड है विद बल्गेरियन रोज, और दोनों का टेक्सचर जो हल्का सा स्टिकी स्टिकी थोड़ा सा वैसा फील होता है ना वो डेफिनेटली दोनों का सेम फील होता है। सो ये जो पेप्टरॉनिक सीरम है ये ऐसे प्लास्टिक बॉटल में आता है एंड दिस इज ऑल द टेक्सचर ऑफ दिस वन फील्स लाइक एकदम रनी पानी जैसे इसका थोड़ा सा टेक्सचर है। वाइल जो ये प्लम का हाइलुरोनिक एसिड सीरम है इसका थोड़ा सा एक गुई और स्टिकी जैसा टेक्सचर है। सो यू कैन सी इसका टेक्सचर थोड़ा सा एक गुई गुई जैसा फील होता है, मैं यहाँ पर आपको डाल के दिखाती हूँ। सो बोथ ऑफ देम लुक लाइक दिस, ये ज्यादा रनी है एकदम पानी जैसा है तो ये जल्दी स्किन में चला जाता है वाइल ये थोड़ा सा ब्लेंड करने में टाइम लगता है, बट आई थिंक ये ज्यादा अच्छी मेरी स्किन पर नरिशमेंट देता है। दोनों ही ब्लेंड होने के बाद बहुत अच्छी स्किन को हाइड्रेशन देते हैं, तो अगर आप एक बेसिक हाइलुरोनिक एसिड से शुरू करना चाहते हो ना आई वुड से प्लम वाला ही ले लो बिकॉज शायद सबको इतना ज्यादा अमाउंट ऑफ हाइलुरोनिक एसिड सूट ना करे। अभी जब विंटर्स आएंगे जब मैं थोड़ा सा पानी और स्प्रे करके लगाऊंगी शायद उस टाइम पे चल भी जाएगा, बट अभी की ह्यूमिड वेदर में ना मुझे ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। एंड अगेन मेड इन इंडिया ब्रांड है सो यू कैन डेफिनेटली रीच आउट टू दिस वन। डू चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, इसके अलावा डू फॉलो मेरे इंस्टाग्राम फॉर मोर अपडेट्स। एंड या दैट इज इट फॉर टुडेज़ वीडियो, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।